आप देख रहे हैं P21 न्यूज़। आज की मुख्य खबर, नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर सफाई कर्मी का शव रखकर किया घंटों प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से, महिला सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त गजल भारद्वाज को सुनाई खरी खोटी। कहा, जिनसे काम लिया जाता है दिन रात, क्या उनके बीच आना भी पसंद नहीं करती। नगर आयुक्त सफाई कर्मी महिलाओं ने लगाया भेदभाव का आरोप। निगम में हंगामे के बाद घबराई नगर आयुक्त गजल भारद्वाज नहीं पहुंची निगम में। नेताओं और सरकार के जनप्रतिनिधियों के प्रति भी दिखा नगर निगम कर्मचारियों का आक्रोश। कहा कि ना कोई नगर बीजेपी विधायक पहुंचा, ना ही कोई विपक्ष पार्टी का नेता। समाज का सिर्फ चुनाव वोट बैंक के लिए दलितों को इस्तेमाल किया जाता है। सहारनपुर नगर निगम में ठेका प्रथा पर कार्यरत सफाई कर्मचारी की करंट लगने से मौत के बाद भारी तादाद में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम पहुंच सफाई कर्मचारी के शव को रखकर किया धरना प्रदर्शन शुरू। सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के लगाए मुर्दाबाद के नारे। कुछ दिन पूर्व कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई कर्मचारी आया था 11,000 वोल्ट बिजली की चपेट में। कल सफाई कर्मचारी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम। सहारनपुर जिला वाल्मीकि सभा सफाई कर्मचारी एवं मृतक के परिजन 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। जनपद की सफाई व्यवस्था चरमाई, वही सफाई कर्मियों के हंगामे को बढ़ता देख जिले के आलाधिकारियों के उड़े होश। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। सहारनपुर से भगत मेहरा की रिपोर्ट। आज सभी कर्मचारी जो इकट्ठे, सबका मामला आपके संज्ञान में पहले भी आ चुका है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसपीसी साहब दोनों लोग मौजूद, अधिकारी मौजूद हुए, जिनके सानिध्य में, जिनके प्रयास से, भरसक प्रयास से जो मृतक परिवार की जो सहायता है उसमें 2 CLC की नौकरी मंजूर हुई है। पहले एक की एक पे हुई थी, पर हमारे जो साथी भाई थे वो एक पे राजी नहीं हुए, फिर 2 CLC की नौकरी घोषणा हुई और 6 लाख रुपये इसमें जो सहायता है CLC के माध्यम से वो शीघ्र से दी जाएगी। और प्लस इसमें 2 दिन के बाद जब ये अकाउंट सेक्शन खुलेगा उसके 2 दिन के बाद 2 या 3 लाख रुपए की सहायता तुरंत दी जाएगी। प्लस हाइड्रिल विभाग, जहां वो बिजली से आदमी की जो झुलसा है उस समय होती है, हाइड्रिल विभाग प्रयास हमारा ये है कि लगभग 5 लाख रुपए की वहां से भी मदद की जाए। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री सहायता जो राहत कोष है वहाँ से भी, और DM साहब के जो राहत कोष है वहाँ से भी मदद की जाएगी। सर, एक देखने को मिले कोई विधायक नहीं पहुँचा। यही बस यही हमारे समाज में बहुत दुख की बात है, परंतु एक बात खुशी की भी है कि अभी माननीय विधायक जी राजीव कुमार जी का फोन आया, वो फिलहाल भी कमिश्नर महोदय के पास बैठे हैं और हाइडिल जो अधिकारी है, बिजली विभाग के अधिकारी, उनसे बात चल रही है प्रॉपर। आपका आरोप ये भी है कि भारद्वाज उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किया था। जी 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 जी, इसमें क्या कहना है? जी जी, बस हमारा मन में टीच यही रहेगी कि अभी तक जो हमारी रहनुमा है, कर्मचारियों की रहनुमा है, कर्मचारियों के मुखिया है, वो हमारे बीच नहीं पहुँची। क्या रीज़न रहे क्या नहीं, वो कर्मचारी इससे अनभिज्ञ है, परंतु टीस हमेशा रहेगी कि जो जिनके रहनुमा में हम काम करते हैं, सभी कर्मचारी सुबह 5 बजे उठकर जिनकी अगुवाई में काम करता है, वो कर्मचारी के बीच नहीं पहुंच सके, इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। ये इतने बड़े जो भाषी शमशान घाट में तो दुनिया चली जा, ये यहाँ भी नहीं आ सकती। ऐसे कहता जूता मारे शकल पे खींच के कौन है या? ये रुड़की ते आई ना, रुड़की में मेर इतना बढ़िया इंसान है, मेरा नंदो ही मारा वासी शमशान घाट में देख आया, एकदम ते सब कुछ पैसे भी देख आया, संस्कार के नौकरी भी दी वहाँ। क्या मांगे आपकी? मांग इसे हक देना चाहिए, इसके धोरण नहीं आकर कुछ करना चाहिए था। रेल बड़ी भगवान है वहाँ, उसके लिए वहाँ जा रहे है कुचड़ से। ये इतनी बड़ी भगवान है की क्या के लिए इनने जिंदगी गवा दी निगम के लिए, ये क्या कर रहा है? ये मरा हुआ कुछ कर लेगा कब जा? पैसे कितनी देर खावा गयो, खावा मरा हुआ खाना आएगा? अरे जो इसके पीछे है उसकी सेवा कर लो, इसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये नू देखो कौन सा परिवार है इसका, नू तो बता दो। 10,000 में, 20,000 में, 15,000 में इसका संस्कार कर देंगे, बड़े बढ़ जाएंगे। 20,000 आश्वासन नहीं मिलता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 20,000 नगर आयुक्त आपके बीच में आज माफी मांगनी होगी, इसके परिवार का हक दिवाओ इसे। एक बीर सिंह नामक कर्मचारी था नगर निगम में, जो CLC आउटसोर्सिंग पे काम करती है, उसमें वो बिजली का काम कर रहा था। कुछ उसकी देख दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हुई थी, उसमें इलाज उसका चल रहा था, कल उसकी डेथ हो गई। उसके परिजन और उनके समाज के काफ़ी लोग आज नगर निगम में आए और उसकी डेड बॉडी को लेके,
और उन्होंने कहा कि उसमें जो है उसकी उचित मदद किया जाए और एक ज्ञापन भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ज्ञापन के सारे बिंदुओं पे उनसे बातचीत करके और उसका समाधान किया गया, उनको आश्वस्त किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नगर निगम के स्तर से, जो सीएलसी के स्तर से और जो प्रशासन से हो सकता है सब पे हम कार्रवाई करेंगे। इस बात से वो सहमत हुए और उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। शांतिपूर्वक उनका ज्ञापन का कार्यक्रम था, सम्पन्न हुआ है। सर क्या कुछ मिला है हमें, क्या अभी जो तात्कालिक राहत हो सकती थी, जैसे क्रिमेशन का दिया गया कुछ पैसा, कुछ एडवांस उसके सैलरी का पैसा दिया मृतक को, और जो उसका इंश्योरेंस का पैसा है वो भी जल्दी से जल्दी उसको मिल जाएगा। पेंशन मिलती है परिवार को, तो परिवार के पेंशन भी शुरू हो जाएगा। और एक उसके परिवार को सीएलसी में नौकरी तत्काल दे दी गई है, उसकी बहन है, उसके बहन को नौकरी दी गई है। बाकी चीज़ें जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से राहत राशि मिलेगी वो उसको दिया जाएगा। और इसके अलावा भी नगर निगम के सारे लोग मिल के जो भी उस गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करके वो राहत राशि भी उसको दी जाएगी। सर उनका थोड़ा गुस्सा कर रहा है, उनका गुस्सा ये था कि अभी कुछ उनको कैश मिल जाए परिवार को, तो उनको ये चीज़ बताई गई कि इसमें सारी चीज़ें तरीके से होगी और बातचीत करके किया जाएगा, मदद किया जाएगा। आरोप लगाया कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया कर्मचारी से, इस तरह का ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन हो सकता है कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है लोगों को, तो इस तरह से उनके मन में था, तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं सर, लेकिन जब तक नगर आयुक्त मैडम यहाँ आकर के जो उन्होंने कल अभद्रता की है उसकी उसको वापस नहीं लेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ना ही हड़ताल खोलने वाले हैं। मैडम आकर के अपनी बात को वापस ले, तब जाकर